उज्जैन जिले की घटिया तहसील क्षेत्र में चल रहे कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक ली गई। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक रामलाल मालवीय ने की। क्षेत्र में कौन से निर्माण कार्य चल रहे हैं, कौन से अपूर्ण हैं और कौन से स्वीकृत करना, उसी को लेकर उज्जैन जिले की घटिया तहसील में विधायक रामलाल मालवीय की अध्यक्षता में जनपद पंचायत घटिया में समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे, जिनसे अपने अपने विभागों के बारे में जानकारी ली और अपने कार्यों के प्रति सजग रहने को कहा और 3 माह बाद फिर समीक्षा बैठक में पूर्ण जानकारी के उपस्थित होने को कहा। वही सहकारिता बैंक प्रबंधक को कहा गया कि सहकारिता का बोर्ड भंग हो चुका है और सभी संस्था के लिए प्रशासक नियुक्त है। जितनी भी सेवा सहकारिता संस्थाओं में अध्यक्ष नाम के बोर्ड लगे हैं, उन्हें जल्दी हटवाए जाए, क्योंकि कुछ विपक्षी अध्यक्षों द्वारा ऋण माफी योजना की किसानों को भ्रमित जानकारी दी गई। बैठक के बाद स्वास्थ्य केंद्र घटिया के NRGS का निरीक्षण किया और वहां पर भर्ती बच्चों से मिले और डॉक्टर अनुशाल्या से अस्पताल के बारे में जानकारी ली। बैठक की जाती कामों का, किस प्रकार हम लोग क्षेत्र में कौन से निर्माण कार्य चल रहे, कौन से नए काम स्वीकृत कराना, इन सबों की बात को लेकर आज जो समीक्षा बैठक रखी गई थी, तो समीक्षा में ये सामने आया कि जो काम अपूर्ण है या काम चल रहे क्षेत्र में, उसको किस प्रकार समय सीमा में पूर्ण करने किए जाए, उसके निर्देश हमने अभी अधिकारियों को दिए और आने वाले समय में 3 महीने बाद जब हम बैठक करेंगे तब इसकी वापस समीक्षा की है कौन से काम पूर्ण हुए कौन से। अच्छा, जो सोसाइटी में अध्यक्ष पद की प्लेट लगी हुई हटाने के निर्देश जारी हुए, बोर्ड अब ऑलरेडी भंग हो चुका है, तो अब उसमें अध्यक्ष तो कोई है नहीं, प्रशासक बैठे हुए। अभी भी हम लोगों को जब ऋण माफी हुई वाली योजना थी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऋण माफी योजना लागू की, उसमें कई अभी भ्रांतियाँ फैलाई गई। इस लोकसभा चुनाव में हमारे जो विरोधी दल के लोग थे, उनने भ्रांतियाँ फैलाई कि इस कोई ऋण माफी नहीं हुई, तो उस बात को लेकर ये जो अध्यक्ष लोग जहाँ बैठते थे अपने चैम्बर में जाके, तो इसलिए हम लोगों ने जब भोपाल अभी बात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से उस दिन विधायक दल की मीटिंग में, उस दिन स्पष्ट निर्देश है कि बोर्ड ऑलरेडी भंग हो चुके हैं, वहाँ कोई अध्यक्ष है नहीं, प्रशासक काम कर रहे हैं, प्रशासक अपना काम संभाल। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। खरगोन जिले के सेगांव तहसील में अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक